हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैं थोड़े से कपड़े देख रही थी कि मुझे गर्मियों के जो कपड़े हैं ना वो उठा के रखने हैं और सर्दियों के निकालने हैं, फिर उनको निकाल के धूप लगाते हैं, फिर उनको धोना है, फिर पहनने में यूज में लेंगे। तो ये मेरा ब्लाउज है, इसकी जो है ना मेरे को फिटिंग करानी है, हुक लगवाने हैं और इसमें साथ के साथ मेरे को बाजू भी लगवानी है। तो मैं सोची थी कि मैं फिटिंग कर दूँ, पर मुझसे हो नहीं पाया। इसमें फिटिंग भी करवाना है और क्या नाम है, ये सब कपड़े मैं सिंगवा रही थी। मतलब मैंने है ना थोड़ा सा तिजोरी का सामान भी निकाल लिया था। तिजोरी में मैं ज़्यादातर अपने कागज़ पत्ते या एक्स्ट्रा सामान, काफ़ी बड़ी तिजोरी है जो मतलब मेरे सेट वगैरह है, कंगन वगैरह जो मैं कहीं आने जाने में डालती हूँ, वो सब चीज़ें मैं तिजोरी में लगा लेती हूँ। मेरे पास में ना इतना ज़्यादा कोई वैसा सामान नहीं है, कोई अलमारी वगैरह नहीं है जो मैं उसमें लगा दूँ। वैसे ही ये जो अलमारी है इसमें लगा दे तो सारे कायरों एक एक करके सारे इकट्ठे कर देगा, और ना बाहर ऐसी चीज़ रखी जाती तो तिजोरी में रख लेती हूँ मैं। और मतलब जो है फर्स्ट एड बॉक्स का सामान है वो मैं इसमें ड्रेसिंग में रख देती हूँ तो वो नहीं छोड़ता। तो कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इधर उधर मतलब रखी हुई हैं, उन सब चीज़ों के लिए कुछ सामान लेना पड़ेगा। और यहाँ मैं ना मैंने जो साड़ी बांधी थी वो वाली साड़ी, ये साड़ी सॉरी निकाल ली है, इसको मैं सेप में लगा रही थी। मैं सोच रही हूँ कि अभी सर्दी है ना कम हो रही है, तो मैं अब जा इतने कम सर्दी है, रोज़ 2 दिन में या 1-3 दिन में एक बार साड़ी बांधा करूँ। तो अभी भी मैं सामान निकाल ही रही थी, इसमें एक मेरा अल्ट्रासाउंड भी रखा हुआ था, माता की चुंदरी जब मैं पिछले साल गई थी, सॉरी कुछ टाइम पहले गई थी जब मैं माता रानी पर, और कुछ सामान और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी इसमें तिजोरी में रखी हुई थी। 2-3 डब्बे हैं, इनमें मेरे कागज़ है, शादी की वीडियो का शीट है, ये सब चीज़ें मैं निकाल रही थी। हटके सारी को झाड़ के तब लगाऊंगी। कुछ फ़ोन के पुराने डब्बे इतने सारे रखे हैं, सारों को आज खाली करूंगी। मैंने उन्हें बिल रखे हैं उस वजह से वो तिजोरी में रखे हैं, उनको निकाल लूँगी, बस एक में ही रख लूँगी सारे फ़ोन के बिल। इस फ़ोन से पहले मेरे पास में एक फ़ोन था सैमसंग का और इंटेक्स का था, उन सब के बिल रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सारी तिजोरी है ना बस खाली करने लगी थी। सेब का ये वाला खाना भी खाली करा, ये जल की कनस्तर भी यहाँ रखी हुई, मतलब अभी कुछ सामान भी रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें मेरे को अभी है ना समेटनी है। आज आप लोग कमेंट करोगे दीदी आज सारी वीडियो है ना कमरे कमरे में ही निकाल दी। हाँ जी, जब है ना काम ज़्यादा हो जाता है बस कमरे कमरे में ही निकल जाती है मेरी वीडियो। मेरे बच्चों के कपड़े टंग रहे, इधर मैंने नीचे के अपने लगाए हैं और सबसे नीचे शोकेस वाले भी लगाने। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। आज की जो है वीडियो स्टार्ट हो गई है, वीडियो तो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो गई थी। आज मैंने लीड लगा रखे, मेरे फ़ोन के स्पीकर में पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। कम कुछ जो है आवाज़ कम सी आती है, कभी ठीक आने लगती है, कुछ गड़बड़ सी कर रहा। मैंने सोचा लीड लगा के बात कर लेते हैं। अभी मैं ना नहा ली थी सुबह सुबह में, और आज मैंने नहाकर सुबह सुबह बस पूजा हो जाए तो गिनी गोपाल जी को उठा दिया था, क्योंकि वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं तो फिर ऐसे हाथ नहीं लगाते ना। तो मैं नहा के पहले गोपाल जी उठा दिए, बच्चों को चाय पानी दूध वगैरह जो देना था वो दे दिया। आ देखो घर की क्या बुरी हालत हो रही है, सारे घर में ना बहुत बुरा हाल हो रहा है। देखो इधर ना कपड़े फैल रहे हैं, इधर फैल रहे हैं, इधर बेड पे फैल रहे हैं। बता दूं मैं आपसे क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि मैं है ना बेटा आ जाओ इधर। हाँ बाबा को छेड़ देनी। मेरे को है ना बच्चों के जो है ना कपड़े निकालने हैं सर्दियों के, कुछ तो अपनी के निकाल रखे हैं, कुछ कायरों के निकाल रखे हैं, थोड़े बहुत रह रहे हैं जो निकालने हैं अभी। बेटे से क्यों तोड़ रही है? तो इसे और क्यों तोड़ रही? टूटी हुई चीज को तोड़ दो। तो मतलब मेरे को है ना सामान जो है मतलब ये गर्मियों के कपड़े रखने हैं, सर्दियों के निकालने हैं। रात हम लोग है ना खेस ओढ़ के सोते हैं, रात इतनी सर्दी लगी क्या बहुत, और बच्चे सुबह सुबह मम्मी सर्दी लग रही सर्दी लग रही। और आज है अपनी की स्कूल की छुट्टी, आज आज है नौमी, तो आज जो है मतलब जो चौकी लगा रखी है वो भी उठ जाएगी, और कल दसवीं में जो है माता रानी का जो है विसर्जन हो जाएगा। मतलब माता रानी को सलाने के लिए जाना है। आप लोगों के यहाँ कहाँ सलाते हैं, क्या करते हैं? हमारे यहाँ तो नहर में या जोड़ में, अब जोड़ तो कहीं रहे नहीं ऐसे खास, है भी गांव में कहीं, तो वहाँ मैं जा अगर गई तो वहाँ पे, नहीं तो फिर नहर में, बस यही है। और अभी फिलहाल बस मैं काम कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और मैं ये सारा काम समेट लेती हूँ। पहले कपड़े रखती हूँ, अभी सर्दियों के निकालती हूँ, बच्चों के फिर बाहर खाट पर डाल दूंगी। जर्सी वगैरह पहननी तो अभी नहीं जाएगी एकदम, इतनी पहननी जाएगी, पर जो जरूरी जरूरी है वो निकाल दूंगी, जो नहीं पहननी इनको ऊपर रख दूंगी। क्या हो गया? मार रहा मेरे बच्चे का। जो पहनने के हैं वो निकाल लूंगी, जो नहीं पहनने के उनको रख दूंगी। मैंने इयर रिंग्स भी नहीं डाल रखे थे, क्योंकि मैं काम में लग रही थी ना, तो मैंने सोचा इयर रिंग फिर डाल लेंगे फुर्सत में। और अभी मैं
ये मेरा मंगलसूत्र कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, सामान सिंगवा लूँ। यहाँ पर अभी है ना, जैसे कि आप लोगों से बात की, और अभी ये मशीन, सिलाई मशीन जो है, मैं इसमें रख रही हूँ उठा के, जब मेरी ज़रूरत होगी तब निकाल लूँगी। बाहर रखी हुई पर धूल ही बैठती है, क्या फ़ायदा, क्योंकि जो इसका स्टैंड है, मतलब नीचे का जो है घर बोलते हैं जिसको, बट्टे का रोकिली नहीं मारते, वो है ना टूट रहा है, तो प्लास्टिक का था, मैं दूसरा लगवाने के लिए सोच रही हूँ, पर ये लेके जानी पड़ेगी तभी लग पाएगा, अभी तो नहीं लग पाएगा। और ये बैग है कपड़ों का, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे नवे, जो हम कभी कभी है ना कहीं जाते हैं निकाल के पहन जाते हैं, और ना फिर है ना बक्सा खोल लो, उसमें से निकाल लो, ये करो वो करो, 70 सिस्टम करने पड़ते हैं, तो सेप में ज़्यादा तो नहीं आ पाते बेटा, नहीं सेप में ज़्यादा नहीं आ पाते, तो इस वजह से मैंने ना इसमें बैग में लगा दिए हैं। और ये बैग भी यहाँ पर रख दिया, और ये रहा बैग, मतलब एक बैग ये रहा, सादा बैग है बेटा। नहीं इसमें मैं है ना कपड़े, गर्मियों के कपड़े उठा के रख रही थी बच्चों के, वहाँ खेल ले जाओ, गर्मियों के कपड़े हैं ना मैंने उठा के रख दिए, सर्दियों के निकाल लें, और कुछ और भी निकालने हैं, पर सारे तो एकदम नहीं निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, तो बस अब नहीं बना रही थी ये वीडियो। और ये मेरे साथ खेल रहा था, बिंदी दिख रही थी शादी से माथे पर, सिंदूर की बिंदी थी, उसको ही देख रहा था। पापा जरा सा कुछ है मैं कर दूँ, मैं आई चोट लगी कह रो, एकदम आता है भाग के, मम्मी चोट, मम्मी चोट लगी, बड़ी मामता करता है मेरा बेटा, और थोड़ा सा शैतान है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझने लगेगा, अभी छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो ये चीज़ भी सिंगवा लेते हैं इधर की, तब मिलते हैं। दिन में तो इतना छोटा दिन होगा, सिलाई करने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब ये मान लो कि दिन में है ना खाने पीने में ही चला जाएगा टाइम, सुबह अब नहीं चली जाएगा, फिर दोपहर का खाना हुआ है, फिर शाम का, फिर बीच में और भी काम रहा है भाई, कायरव को भी देखना रहा है, वो इधर उधर फिर है, उसको देखना नहीं जरूरी है, मौसम का बदलाव होने लगा, तो रात में होकर किसी में जैसे भी होकर थोड़ी बहुत रात को ही करनी पड़ेगी, पर मुझे रात को सिल लेनी चाहिए, दिन में तो टाइम मेरा लगना ही लगना नहीं। वही सारी बात कर ली, मैं सामान सिंगवा लूँ अपने, फिर मिलूंगी। मुझे ना दिख रहा, अच्छा बोरा बोरा। अभी यहाँ पर मैं है ना इसमें रूम में है ना झाड़ू लगा रही थी, पूरे रूम की हालत आप लोग देख सकते हो कितनी बुरी हो रही है, सच में बहुत बुरी हालत हो रही है पूरे रूम की। मैं सोच रही थी कि मगा है ना झाड़ू है ना लगा के फिर पोछा लगाऊंगी, पर बीच में काम अटक गया, सारा घर सिंगवाने में बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ कमेंट्स मुझे आते रहते हैं, हाँ जी करती रहती है, हाँ जी हाँ जी, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी ना, हाँ जी करना कोई बुरी बात है भाई, जो लोग इस तरह से बोलते हैं, फिर क्या तू तड़ाक से बोलूँ, ये अच्छी, ये भाषा अच्छी है, ये वाली भाषा अच्छी है, आप ही बता दीजिए मुझे। और मैं ना झाड़ू निकाल रही थी, अभी अभी दिवाली की है ना साफ़ सफाई हमारे घर शुरू नहीं हुई, और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो मेरी वीडियो आप लोगों को आगे पीछे मिल रही है ना, ये ऐसा हो जाता है जैसे मैं एक दिन में दो दो वीडियो शूट कर लूँ, और फिर मैं कहीं चली गई तो वो वीडियो रह जाती है, उससे पहले वो दूसरी चली गई, ये थोड़ा सा सिस्टम हो जाता है, वरना इनको पीछे की वीडियो दिखा रही, पीछे की नहीं दिखा रही, ये बना रखी थी मैंने, और यहाँ कायरव को कपड़े पहनाए मैंने दूसरे, अब देखो तुम जरा सी देर में दूसरे कपड़े चेंज हो गए, ये बनियान पहना रही थी मैं इसको, और मौसम है ना सर्दी का बना हुआ है, और बस बारिश, मौसम वैसे भी ख़राब सा भी हो रहा है, पता नहीं बारिश भी हो सकती है,
तो कुछ पता नहीं। अभी ये गुब्बारा ले रहा था, उससे खेल रहा था। मैं थोड़ा सा, अब जाना है मुझे, थोड़ा काम करने देता, पर इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लेती हूँ। पर जब रोता है फिर नहीं देखता कुछ भी। बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला घर में से, जब साफ़ सफाई करते हैं तो छोटी मोटी साफ़ सफाई में इतना ही कूड़ा निकल जाता है। इन्हों देखो, तिजोरी सेब सिंगवाई है, बेडरोड सिंगवाया, इसमें निकल गया इतना कूड़ा। और अभी दिवाली पे मैं करवाऊँगी घर में सामान, दोबारा सेट करूँगी, मतलब रूम की सेटिंग करूँगी। और कुछ कमेंट्स आते कि दीदी कलर करवा लो, तो कलर के बारे में आगे आप लोगों को पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल तो मैं बस झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। तो काफ़ी दूर तक जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक झाड़ू लगा लेती हूँ। बेड के नीचे है ना, जहाँ तक हाथ नहीं जा पाता वहाँ तक तो नहीं रह जाता है। और एक बार मैंने पहले लगाई थी, दो बार मतलब मैं बेड के नीचे निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं जितना मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं पूरी दूर तक झाड़ू निकालती हूँ। और पोछा भी जब है ना, रूम को हम सिंगवा देते हैं और फैला हुआ सामान समेट देते, रूम एक अलग अलग सा ही दिखाई देता है, अलग सी रौनक दिखाई देती है रूम में। जब भी मैं झाड़ू है ना सिंगवा के लगाती हूँ, सारे सामान वामान इधर उधर फैले हुए समेट के अच्छे से सारे में झाड़ा पूछी करके, तो रूम अलग ही दिखाई देता है। और अभी यहाँ पर है ना, पंखा तो बंद था पर बाहर की हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ये सारा कूड़ा अंदर की साइड आ रहा है। पहले इसको फटाफट बाहर को सारे को समेट देती हूँ और ये सारी झाड़ू निकाल के उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और आज की वीडियो सारी रूम रूम में चली गई। आप लोग है ना थोड़ा सा है ना सहमत रहा करो चीज़ों से। कुछ लोग बोलते हैं बस सारी वीडियो एक चीज़ में निकाल देती है। देखिए मैं अपना जो भी काम करती हूँ, अच्छा बुरा, थोड़ा कम ज़्यादा, रूम में कर रही हूँ या बाहर कर रही हूँ, जहाँ भी कर रही हूँ, सब आप लोगों तक पूरे तरीके से मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ फिर कुछ और दिखा दूँ, मतलब रूम का थोड़ा सा काम दिखा के फिर दिखा दूँ। मैंने एकदम बिल्कुल साफ़ कर दिया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि खुद से नहीं करा, तो वो मैं थोड़ा सा, मेरा यही रीजन रहता है। तो चलिए बस इसकी फटाफट झाड़ू रह रही है, इधर की साइड थोड़ी सी वो निकाल लेते हैं। ये मोटा मार सा कूड़ा बाहर निकाल दिया, इसको उठा के मैंने बता ना कूड़ा इकट्ठा करके आग जला देती हूँ उसमें। और ये सबसे अच्छा हुआ मैं सुबह सुबह नहा ली थी और नहा के मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी, एक बार झाड़ू निकाल के पोछा लगा लिया था। मैं ना क्या करती हूँ, सुबह नहाती हूँ, एक बार झाड़ू निकालती हूँ, पोछा लगाती हूँ, जैसा भी लगे मोटा मार, और फिर पूजा करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना रूम सिंगवाने के लिए लगी थी, क्योंकि बिना नहाए धोए ऐसे गोपाल जी की पूजा भी तो नहीं करते ना। मेरे मेरे गोपाल जी वहाँ पर बैठे हुए हैं पूजा के स्थान में। तो ये नौमी वाले दिन की वीडियो है, ये चौकी मेरी अभी भी यहीं लगी हुई है। और अभी बस ये फटाफट इधर से कूड़ा निकाल लेती हूँ, पोछा लगाती हूँ, इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट।